पार्टी अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप आए हम सबों को संबोधित करें। देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार श्री नित्यानंद राय जी, यहां उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता, निवर्तमान सांसद पद्म भूषण हुकुमदेव नारायण यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंगल पांडे जी, विनोद नारायण झा जी, महेश्वर हजारी जी, मदन सहनी जी, जनता दल यू के नेता और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, माननीय सांसद रामनाथ ठाकुर जी, दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार श्री गोपाल जी ठाकुर जी, मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव जी, समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार भाई रामचंद्र पासवान जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री जदयू नेता अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण, सभी विधान पार्षदगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, एनडीए के तीनों घटक दलों के यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, पत्रकार मित्रों और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मिथिला की इस धरती पर आप पधारे हैं, हम तो सबसे पहले मिथिला की इस पावन धरती को का नमन करते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं कि देश का विकास बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है, उसी तरह से बिहार का विकास मिथिला के विकास के बिना संभव नहीं है और हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, आज दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ और जिस तरह से इन्होंने देश के विकास के लिए काम किया है और विशेष तौर पर जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है, इसको लेकर समस्त देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। और जो देश के विकास के लिए आपने काम किया है, अनेक काम किए हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, गरीब जन हैं, उनके उद्धार के लिए जो काम किया, देश की गरीब महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और अब देश के गरीब लोगों को इलाज के लिए उनके पूरे परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराने की योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करा दी। और अभी जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है और उससे देश के किसानों को 6,000 रुपए की सहायता मिलेगी। हम लोगों के जो विरोध में हैं वो किसान की बात करते हैं, लेकिन मुझको लगता है किसान की जरूरत सबसे ज्यादा क्या है इसके बारे में कोई सोच और समझ नहीं। वो कहते हैं हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, माफ कर दीजिए, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या देश के सारे किसान कर्ज लेते हैं?
देश के कुछ किसान कर्ज लेते हैं, लेकिन जो देश के किसान हैं उनकी सबसे बड़ी सहायता क्या है? किसान जो खेती करते हैं वो पैसा लगाते हैं, और अगर सरकार की तरफ से खेती करने में उनको आर्थिक मदद मिल जाती है तो उनकी जो लागत लगती है अपनी तरफ से वो कम जाएगी, और स्वाभाविक है उनका मुनाफा बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो ये किसानों के हित में सबसे जबरदस्त योजना है, किसान सम्मान निधि योजना। और इन सब चीजों के लिए, अन्य योजनाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इन्होंने बिहार के विकास के लिए भी जो काम किया है, बहुत सारी बातों की चर्चा करना तो मुमकिन नहीं है। हम सब आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, और यहाँ के बाद उनको अन्य कार्यक्रमों में जाना है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई अपने बिहार में सिर्फ सड़क और पुल के मामले में प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, सिर्फ सड़क और पुल में। और किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, यहाँ का खाद कारखाना और उर्वरक कारखाना बरौनी से दशकों से बंद था, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्य आरंभ करा दिया। और तो और जो कई जगहों पर हवाई अड्डों का सिविल सेवा के लिए जो इन्होंने पहल शुरू की है, जो यहाँ का सैन्य हवाई वायुसेना का जो हवाई अड्डा है उसमें अब सिविल सर्विस भी, दूसरे प्लेन भी आएंगे जाएंगे, और उस पर काम प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार को भी जो उसमें देना था वो मदद कर चुकी है, लेकिन अब बहुत जल्दी अब दरभंगा तक प्लेन आएगा, यानी दरभंगा के लोग सीधे दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कर्नाटक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसकी सेवा शुरू होगी। और ये मिथिला वासियों के लिए कितना सम्मान का विषय है, तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोगों ने काम किया है बिहार के लिए, और हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं सिर्फ विकास के आधार पर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम लोग शुरू से कहते हैं न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और ये काम कर रहे हैं। बिहार में 15 साल तक एक परिवार को राज करने का मौका मिला, और क्या बिहार की स्थिति थी, बिहार का क्या बजट था, एक साल में 24,000 करोड़ से भी कम, 23,885 करोड़ 2004-05 में। और आज बिहार का बजट एक साल का है 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो हम लोगों ने इतना काम किया, केंद्र की सरकार भी काम कर रही है, राज्य की सरकार भी काम कर रही है। और जान लीजिए अब बिहार का विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था, और अब बिहार का विकास दर 11.3% दूसरे राज्यों से भी ज्यादा। तो हर क्षेत्र में काम, हम लोगों ने क्या सेवा नहीं की है, कहां लोग अंधेरे में रहते थे, लालटेन और ढिबरी का सहारा लेते थे, अब हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब बल्ब की सेवा उपलब्ध हो गई, लालटेन की जरूरत पूरे बिहार में खत्म हो गई, ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया। अब आप लोगों को सोचना है कि काम के आधार पर, और जो देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं उसके आधार पर, देश को जो विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं और समाज के हर तबके का विकास कर रहे हैं, उस आधार पर आप अपना मतदान कीजिएगा। हम लोग तो यही आप सब लोगों से अपील करने आए हैं, और हम सब अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का पूरे तौर पर समर्थन मिलेगा, ताकि देश में फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, हाथ उठा के बताइए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो एनडीए के सारे उम्मीदवारों को आप विजयी बनाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।